नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने चेक प्रिंट कर सकते हैं टैली से, किस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कौन कौन सी फील्ड उसमें कैप्चर होके आएंगे जहाँ पे प्रिंट होगा, क्या क्या प्रिंट होगा एंड कौन कौन से प्रिंटर उसको सपोर्ट करेंगे। तो इन ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बताऊँगा, सबसे आसान तरीके में बताऊँगा जिसमें कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपका। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाएं वो आपको जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि टैली से चेक प्रिंटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप या तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली नहीं होती है, चेक में जो चीज़ें प्रिंट होके आती हैं वो ऊपर नीचे होके आती हैं, आपके चेक ख़राब होते हैं और आप सोचते हैं कि इस झंझट में कौन पड़ेगा, इससे बढ़िया तो हाथ से ही बना लें। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ क्लियर करूँगा किस तरह से आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। 430 चेक फॉर्मेट्स ऑलरेडी टैली में हैं जो कि ऑनलाइन आपको दिखते हैं। अगर आपकी ओरिजिनल टैली है तो आपको ये चेक के फॉर्मेट्स दिखते हैं, इतने बैंकों के चेक आपको दिखते हैं, लेकिन इसके लिए आपका जो टैली है वो रिन्यूड होना ज़रूरी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चेक से बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा सिर्फ चेक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको तो जैसे इससे आपका चेक प्रिंट होके क्या आएगा, किस तरह से चेक प्रिंट हो गया आएगा, कौन कौन सी फील्डें कैप्चर होंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेट है, जो आप डेट देख रहे हैं, डेट वाली फील्ड में डेट आपकी प्रिंटेड होके आ जाएगी, जो भी आपकी डेट रहेगी इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ये जो कॉलम है ये कैप्चर हो जाएंगे, यहाँ पे डेट आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पे जो आपका पे नेम है, जो जिस नाम से आप चेक रेज करेंगे, जो फेवरिंग नेम होगा वो आपका यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद जो अमाउंट्स इन वर्ल्ड में है वो आपका यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद आप देखेंगे जो अमाउंट इन फिगर्स में है, जो आपके फिगर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं कि कितने का चेक है, वो आपका यहाँ प्रिंट होके आएगा, बाकी और कुछ भी आपका प्रिंट होके नहीं आएगा। और यहाँ पे एक आपका अकाउंट पे करके आपका आता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो कंपनी का जो नेम है वो आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं कि अगर आपके चेक में कंपनी का नेम प्रिंट होके नहीं आता है तो इसको चलिए। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि किस तरह कौन कौन से प्रिंटर इसको सपोर्ट करेंगे। तो किसी भी तरह के प्रिंटर आप इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं चेक को, हर प्रिंटर को ये सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है कि इस प्रिंटर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो जिससे प्रिंट निकलता है तो उससे आपका चेक भी प्रिंट निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आपको कि जो इस तरह के प्रिंटर होते हैं जो ऑफिसों में आजकल यूज होते हैं, तो इस तरह के प्रिंटर यूज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी चेक के लिए एक पॉकेट बनी होती है, तो उस कैसेट में जो चेक के लिए जो कैसेट बनी होती है यहाँ पे, ये वाली जगह जो होती है वो आपकी चेक के लिए होती है। तो इस तरह के प्रिंटर आजकल आप देखते हैं ऑफिसों में नॉर्मली यूज होते हैं। तो जैसे कि ये प्रिंटर है, तो ये प्रिंटर आप देखते हैं कि इस प्रिंटर में चेक लगाएंगे, किस तरह से चेक लगाएंगे, ओके। तो चलिए चलते हैं टैली में और देखते हैं किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, तो जो सबसे पहले आपका काम रहेगा आपने एक मैंने डेमो कंपनी बनाई है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक प्रिंटिंग को इनेबल करूँगा। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा F11 में अकाउंटिंग फीचर, और अकाउंटिंग फीचर में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में बैंकिंग फीचर्स में यहाँ पे चेक प्रिंटिंग को आपने इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब हमें एक लेजर बनाता हूँ बैंक का, ठीक है। ये ऑलरेडी लेजर मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि HDFC बैंक का मैंने लेजर बना दिया, ये किसी भी बैंक का लेजर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बैंक अकाउंट के अंदर आपने डालना है, अंडर बैंक अकाउंट जो इसका ग्रुप रहेगा, जैसे ये बैंक अकाउंट के अंडर इसको डालेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी।
तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह ये सारा फिल कर सकते हैं। ये बाकी बैंकिंग की जो फीचर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपका चेक प्रिंटिंग को कवर करूँगा। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपका ओरिजिनल टैली रहेगा तो यहाँ पे ओरिजिनल टैली रहेगा, और अगर आपका TSS रिन्यूड है तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे बैंक नेम में ये बैंक की लिस्ट आ जाएगी, सारे के सारे बैंक की लिस्ट आ जाएगी। मोर देन 400 बैंक्स हैं यहाँ पे, तो वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ऑलमोस्ट सारे बैंक यहाँ पे कवर किए हैं टैली ने, तो ये लिस्ट यहाँ पे आई और यहाँ पे आपने चूज कर दिया जो भी आपका बैंक है, जैसे आप चूज करेंगे। एंड चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये वाला ऑप्शन चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को आपने यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो ये इस बैंक के जितने भी चेक के फॉर्मेट हैं, चाहे वो CTS फॉर्मेट हैं या नॉर्मल फॉर्मेट हैं, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर इनमें से भी अगर आपके फॉर्मेट नहीं हैं, जैसे यहाँ पे 3-4 फॉर्मेट हैं, इनमें से भी आपका नहीं है, तो आप उसको यूजर डिफाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरा मैं ये वाला चेक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन, पहले क्या होता था कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें स्केल से नाप के हमें यहाँ पे डालनी पड़ती थी कि कितना ये फर्स्ट फर्स्ट लाइन का गैप कितना है, कितने ऊपर टॉप से इसका क्या गैप है, और तो ये सारी चीज़ें हमें स्केल से इसमें डालनी पड़ती थी, उसको नाप के हमें डालनी पड़ती थी। तो वो चीज़ को हम जैसे ही ये पिक्चर्स आपको मिल रही है, तो इसके जो भी आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर भी अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका प्रिंट आ रहा है, तो ये यहाँ से आप उसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं जितना भी आपका फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका कि प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक। तो आजकल ऑलरेडी चेक में सभी कंपनी के नेम प्रिंटेड होते हैं, तो इसको यस करने की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह से प्रिंट होगा। तो होगा क्या कि जो आपकी डेट है, डेट वाले कॉलम में आपकी डेट आ जाएगी, अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा, एंड अकाउंट पे आपका यहाँ पे आएगा। इसको भी आप आगे पीछे खिसका सकते हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए। इस तरह से आपका पार्टी का नाम आ जाएगा यहाँ पे, जो पार्टी का नाम है ऑटो वो यहाँ पे प्रिंटेड हो जाएगा, और अमाउंट इन वर्ड्स में जो होता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये लेजर है, लेजर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव कर दी है, लेजर मैंने सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन करके। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद कोई भी मैं पेमेंट की एंट्री डालूँगा, इसी बैंक से मैं एक पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ, XYZ पार्टी है, और कुछ भी अमाउंट का मैं एक पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो यहाँ पे F12 का बटन है, तो F12 के बटन को आपने क्लिक करना है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए यहाँ से आपने इनेबल करनी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप में आप चेक ले लेंगे, चेक लेने के बाद अमाउंट ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, अकाउंट पे यही प्रिंट होके आएगा, एंड इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर आप बैंकिंग प्रॉपरली यूज़ करते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आप डाल सकते हैं। इस तरह मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा बैंकिंग फीचर, और जो चेक पे डेट रहेगी वो इंस्ट्रूमेंट डेट क्या होगी जो प्रिंट होके आएगी, एंड फेवरिंग नेम क्या रहेगा। ऑटोमेटिकली लेजर का नेम उठाता है, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। अब यही आएगा, चाहे आपका लेजर आपने कोई भी चूज़ किया उसका नाम क्या है, लेकिन फेवरिंग नेम में जो भी आप डालेंगे वही चेक पे प्रिंट होके आएगा। तो ये मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही मेरे को पूछ रहा है चेक प्रिंटिंग के लिए। तो चेक प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है, ओरिटेंशन का। तो ओरिटेंशन में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा किस तरह से आपने प्रिंट करना है। तो किस तरह से मीन्स कि क्या होता है इसका, अगर हॉरिजेंटली आपको चाहिए तो हॉरिजेंटली जैसे ये वाली चीज़ें, तो हॉरिजेंटली क्या होगा कि आपको नीचे वाले या ऊपर वाले इस उसमें आपको चेक लगाना पड़ेगा, जो ये वाली पॉकेट यहाँ पे आपको चेक लगाना पड़ेगा, तो लेकिन हॉरिजेंटली लगाना पड़ेगा। हॉरिजेंटली मीन्स कि जो आपका ये वाली चीज़ें ऐसे ही आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं कि इसको हॉरिजेंटली मैं आपको प्रीफर करूँगा कि वर्टिकल सेंटर में आप ले लीजिए और इसको फ्रंट ले लीजिए, ओके। तो अब इस तरह से आपका प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो चेक आपने कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रिंटर है, तो इसका जो डेट वाला जो अब क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं इसमें आपके दो कैसेट्स होते हैं, ठीक
ठीक है, पेपर लगाने के लिए। तो ये वाला जो होता है बेसिकली ये चेक के लिए ही होता है, और अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप एडजस्ट करेंगे सेंटर में आ जाएगा, एक साइड से अगर आप इसको खींचेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली खींचता चला आता है, और ये सेंटर में आप ले आए। सेंटर में लाने के बाद आप इसमें चेक कैसे लगाएंगे, तो जो चेक का जो डेट वाला एरिया है, जो 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 डेट वाला कॉर्नर है वो आपका पहले अंदर जाएगा। तो उसको पूरा आप अंदर तक डाल दीजिए, जहाँ तक भी चेक जाता है, जहाँ तक भी उसमें जगह है वहाँ तक डाल दीजिए। उसको डालने के बाद आप इसको प्रिंट कर दीजिए, यहाँ पे प्रिंट कमांड है, प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद आपका चेक प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक्यूरेटली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं।